का रहने वाला है और उसमें एक दो यहाँ के भी लोग शामिल हैं। ये गैंग बहुत नोटोरियस है और इनके विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के, लूट के और अन्य धाराओं के। इस गैंग के द्वारा पिछले कई दिनों में अन्य थाना क्षेत्रों में काफ़ी वारदातें की गई थी। बेसिकली इनका जो तरीका था काम करने का कि वो किसी भी ज्वेलरी शॉप का शटर काट करके, जो गांव देहात में ज्वेलरी शॉप बनी होती है उनका शटर काट के वहाँ से जो भी मिलता था वो लेके चले जाते थे। इस तरह की कुछ घटनाएं इनके द्वारा थाना हरचंदपुर, गुरुबख्शगंज, सलोन और मिलेरिया में की गई थी। कल रात्रि की चेकिंग के दौरान इस गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उनके दो शातिर अभियुक्त, जिनका लंबा जो आपराधिक इतिहास है, वो पुलिस की गोली से घायल हुए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया उपचार के लिए, और शेष अन्य पाँच जो थे, कुल सात लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। उनके कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी, जिसमें सवार होकर के वो ये घटना करने आते थे, चार मोटरसाइकिल्स, जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि वो चोरी की हैं या कहीं से वो उन्होंने क्या किया है, इसके अलावा एक कट्टा और करीब 1 लाख रुपए की ज्वेलरी और गैस कटर और अन्य उपकरण उनके पास से बरामद हुए हैं। पकड़े गए अभियुक्त लोगों से पूछताछ करके उसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।